हेलो गाइस, आप तो कम है कौन नहीं वीडियो लेके बहुत दिन हो बात के तुम्हें एग्जाम चालू था तो मैं बस गया था ना। और हाँ, आपको मेरे पीछे एक लोगो दिखता होगा, कितना लोगो दिख रहा होगा सामने तो है। ये जो लोगो है ना, ये मेरे चैनल का लोगो है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है? जी हाँ, मैंने कोई भी फोटो ले चुका कर रखा है दीवार पर, मैंने जो है ग्रीन स्क्रीन करके रखा है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो में आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। ये वीडियो में आपको बताने वाला कैमरा चेकिंग के बारे में, अच्छी कैमरा चेकिंग के बारे में हम बताएंगे आपको। इसमें बताएंगे आप सोचते होंगे कि कैमरा स्टोर कैमरा चेकिंग कब से आगे, पर कोई बात नहीं, हम कैमरा से नहीं करेंगे, हम करने वाले कुछ अलग लेवल पे आफ्टर इफेक्ट पे। मजा नहीं आ रहा है आपके इफेक्ट करने वाले। मैंने सोचा कि ना यार काइंड मास्टर से धीरे धीरे ऊपर बढ़े, तो मैंने काइंड मास्टर पे कम से कम 7-8 वीडियो निकाल के तब पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं सोचा आपके इफेक्ट निकाल के देखते शायद से कुछ हो जाए, कुछ तो मिल जाएगा आप लोग की दया में। आपको आपके इफेक्ट अगर आपको आपके इफेक्ट की इफेक्ट सीखनी है तो मुझे कमेंट में बता देना, या फिर लाइक ठोक देना, और लाइक ठोक देना तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आपके इफेक्ट सीखना है। और सीखना है लाइक ठोकने के बाद में छोटा सा कट सब्सक्राइब का बटन लेगा लाइन में, क्योंकि उसको दबा देना, उसके बाद में जो घंटा रहता है उसको दबा के ऑन पे कर देना, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक जल्द पहुँचेगा, ठीक है। लेट नहीं करते, ठीक है, लेट नहीं करेंगे, ओके। फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, पूरी वीडियो देखते रहना। आज ये वीडियो का लाइक है कम से कम 15 बहुत है, ठीक है, 15 और सब्सक्राइब आपकी मर्जी, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, आइए वापस। अभी आपको जाना है फाइल में, कोने में दिखता रहेगा फाइल, इधर आएंगे इंपोर्ट पे आने के बाद फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आपको जो भी अपना चूज़ करना है वीडियो वहाँ पे चूज़ कर लो। मैं चूज़ कर लेता हूँ, रुको, डी में जाता हूँ, डी 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 या डी, और न्यू फोल्डर में जाके मैं अपना वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद मैं इंपोर्ट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगा। बाद में आपको वीडियो पे एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मेन स्क्रीन पे या फिर नीचे यहाँ लाके छोड़ देना है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, और ये है मेरा वीडियो पूरा, आप देख सकते हो थोड़ा सा स्लो चलेगा ये, क्योंकि वीडियो पूरा सेट हो रहा है, थोड़ा बड़ा है ना इसके लिए। बाद में जब ये ग्रीन लाइन पूरा हो जाएगा तब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा होने के बाद अपने को, अगर आपको ट्रैकर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद ट्रैकर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं क्लिक नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ, ट्रैकर पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको नीचे ट्रैक कैमरा करके ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर दो बार क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। दो बार क्लिक करने के बाद ये अपना कैमरा ट्रैक होगा। रुको एक मिनट, मैं सेट कर लूँ पहले वीडियो, एंड ये मैं ट्रैक कर लेता हूँ अपने वीडियो को, रुक जाओ, या मैंने ट्रैक कर लिया। अभी ये आपको दिख रहा है, अभी ये एनालाइज हो रहा है, अभी ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि मेरा थोड़ा लो रैम पीसी है, तो मैं आपको डायरेक्ट थोड़े देर बाद मिलता होने के बाद, ठीक है। मैं सॉल्व हो गया है कैमरा सॉल्व होने के बाद हमको क्या करना है, हाँ, तो कैमरा सॉल्व होने के बाद सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे कैमरा, आपको एक डॉट, छोटा छोटा सा डॉट दिखने लगेगा, ठीक है। छोटा डॉट दिखेगा ना तो आपको मतलब जाना है, और 3 डॉट्स पे कहीं भी जाके बीच में आपको एक एरो मिलेगा। एरो मिलेगा, ठीक है। तो मैं, आप देख सकते हो रेड रेड बीच में आ रहा है, मैं जाके कोई भी 3 डॉट के बीच में क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो मैं कोई परफेक्ट और ये मैं क्लिक पर यहाँ पे क्लिक करने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, तो हम कहीं और क्लिक कर देते। और रुको रुको रुको, क्लिक कर रहा हूँ, और मैं जाके एकदम पेड़ साइड पर क्लिक कर देता हूँ, रुक जाओ, कहीं दिख रहा है, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा
ओके सो मेरा रिजल्ट मिल गया। अब मैं जाके लेफ्ट क्लिक करके टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट सॉलिड और नल है ना, आपको अगर सॉलिड पे क्लिक करना है तो सॉलिड पे क्लिक करके आप वीडियो और पिक्चर डाल सकते हैं, बट मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं टेक्स्ट का कैमरा ट्रैकिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आप शेडो भी डाल सकते हो। ये जो फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है ना, क्रिएट शेडो कैचर, आप वहाँ जाके टेक्स्ट और ये सब डाल सकते हो, और सॉलिड पे जाके आपको वीडियो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ पहले। टेक्स्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट करके ऊपर। ठीक है, स्टॉप पे। सो मैं जरा जाके टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जूम कर लेता हूँ। ठीक है, रुक जा, आपको जूम बताता हूँ। और ये देखो, मैं जूम कर लिया हूँ अपना वीडियो। ठीक है, कुछ ऐसा सीन होगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेट कर लेना, जहाँ भी आपको लेना है वीडियो आप बीच में लेके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा कुछ हो गया, पर जो दिख रहा है मैंने गलती से वीडियो मेन वीडियो में से ही लिया था। आपको टेक्स्ट पे क्लिक करके सेट कर देना, बाद में आपको कंपोजिशन दिख रहा है लेफ्ट में, उसके नीचे एक आपको रोलिंग का लाइक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको जो एक्स वाई जेड दिख रहा है उस पर आपको आपको परफेक्ट कर लेना है जैसा आपको टेक्स्ट रखना है। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट करने के बाद मैं देखो एकदम सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा, सॉरी यार, थोड़ा मेरा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यार लो पीसी है ना, जो मेरे पास पीसी है ना, मतलब जो आफ्टर इफेक्ट है वो मेरे पास 2015 का है, 15 का सीसी वर्जन है, इसके लिए थोड़ा लो चल रहा है, पर कोई बात नहीं। देखो, ठीक है, अब मैंने ये जो सेट कर ही लिया है अपना, अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट को नीचे लेके आ जाऊँगा। टेक्स्ट को नीचे लेके आने के बाद जो है सेट कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा, ऊपर से थोड़ा मोटा, अरे ज़्यादा हो गया, रुक गया। हाँ, कुछ बाद में डबल क्लिक करके बैक करके अपना नाम लिख लूँगा। आप जैसे टेक्स्ट पे लिखते हो ना कंप्यूटर पे, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा मेरा वीडियो, वीडियो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं वीडियो थोड़ा सेट कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया था ना इसके लिए, एक मिनट वीडियो सेट कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो सेट करने के बाद मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देखो, वीडियो देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे जाएगा आगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से तो जो मैंने राज लिखा है वो एक ही जगह पे है, दिख रहा है आपको, वो एक ही जगह पे फिक्स है, उसके साथ कहीं हिल ही नहीं रहा है वो बाजू बाजू में। ठीक है, और देख रहे हो पूरा वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा अगर होगा तो, अगर आपका अच्छा पीसी है तो जल्दी हो जाएगा, पर मेरा ऐसा है कुछ तो। और हाँ, अगर आपको काइन मास्टर में भी कुछ ऐसा सीखना है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, जितना लाइक आएंगे मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग काइन मास्टर पर भी ये चाहते हो कैमरा ट्रैकिंग। मैं ट्राई करूँगा कैमरा ट्रैकिंग करने का काइन मास्टर पर। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं कर लूँगा, बस आप लोग वीडियो को देख के अच्छे से सब्सक्राइब लाइक सब कर दो। ठीक है, अब आप वीडियो देख रहे हो मेरा एकदम मतलब एक ही जगह पे सेट है वीडियो मेरा। ठीक है, अब ओके, जो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कैमरा, 3D कैमरा का लेयर साइज की वजह से, कोई बात नहीं, रुक जाओ, टेक्स्ट करें, टेक्स्ट। हाँ, सो अब मैं क्या करूँगा ना, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो 3D कैमरा ट्रैकर दिख रहा है फिर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, रात जो लिखा है मैंने वो एक ही जगह पे फिक्स हो गया है, मतलब ऐसे चिपक गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ईजी, आप टेंशन, अगर आपको ऐसे मतलब फोटो कैमरा ट्रैकिंग या फिर वीडियो कैमरा ट्रैकिंग सीखना है तो सीधी सी बात है यार, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, और आपको प्री कंपोज नहीं करना है इसको अभी। ठीक है, प्री कंपोज तो मेरे को करना ही नहीं है समझ, अगर आप करना रहेगा तो मैं सिखा दूंगा प्री कंपोज क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वीडियो सब पर रात जो दिख रहा है वो एक ही जगह पे फिक्स है, चाहे कहीं भी घुमा लो वो एक ही जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अब वापस प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। हाँ, ओके।
अब आती है रेंडर की बारी। रेंडर आपको कैसा करना है, अगर आपको वीडियो पूरा सेट हो जाता है, आपको देखो मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ अभी। रेंडर रेंडर जो मेन चीज़ होता है इसके लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है यहाँ से तो बहुत इजी है, बहुत ही मतलब बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इसी जगह पर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और क्या, अभी देखो फाइल में जाने के बाद आपको जो है ना नीचे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता रहेगा, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आएगा ऐड टू रेंडर क्यू ई, इधर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको बेस्ट सेटिंग को बेस्ट सेटिंग देना है, बाद में इसको नीचे जो लिखा है ना लो, बेस्ट सेटिंग के नीचे लिखा है जो, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो ए वी आई से ला के क्विक टाइम पे कर देना है, ठीक है। मैं क्विक टाइम पे कर लेता हूँ, और कुछ अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, कुछ करना मत, ठीक है। मेरा सब एकदम एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है मेरा, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एच जी ये सब मिलाना है तो आप एच जी मिला सकते हो वीडियो को, पर अगर आपका वीडियो, अगर आपका लैपटॉप अच्छा है या फिर पी सी अच्छा है तो आप एच जी मिला सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने देना जैसे, ठीक है। अब ये करने के बाद राइट साइड में आउटपुट टूल एरर ओनली लिखा रहेगा, उसके नीचे वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। एरर ओनली लिख रहा है नीचे, हाँ देखो इधर आपको थोड़े देर बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा आउटपुट मूवी, देख रहा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको कहीं भी लेके जाना है तो आप सेव कर लेना वहाँ, देखो मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको मेरे को रेंडर का ऑप्शन आ गया, रेंडर होके आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, पर मेरे को एक्सपोर्ट नहीं करना है अभी क्योंकि मेरा हो चुका है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब तक के लिए बाय बाय।